या देवी सर्वभूतेषु मा दुर्गा रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज का भाग्य में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। नवरात्र की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। बताऊंगी आपको आज का दिन कैसा रहेगा, आज के पंचांग की बात होगी, साथ ही में आज अष्टमी तिथि पर क्या महा उपाय किया जा सकता है। तो आज अष्टमी तिथि पर हम करते हैं माँ महागौरी का आवाहन, और आज के दिन में माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए, साथ ही में कन्या पूजन करने से घर में सुख संपन्नता का वास होता है। तिथि की बात करें तो आज अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। आज के दिन का शुभ समय रहेगा सुबह 9:22 से लेकर के 11:27 तक का। राहु काल आज 1:40 से लेकर के 3:07 तक रहेगा। साथ ही में पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचेगा। क्या महा उपाय किया जा सकता है? माँ महागौरी को नारियल और श्रृंगार अर्पित करें, साथ ही में श्रीम क्लीम रीम वरदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आपका यश बढ़ेगा और किसी भी तरह की कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। और अब बात आज के दिन के राशि फल की। सबसे पहले मेष राशि। आत्मविश्वास आज भरपूर बना रहेगा, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। ननिहाल पक्ष से आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। शुभ रंग है नीला। भाग्य प्रतिशत रहेगा 68%। धन प्राप्ति के लिए माता की पूजा करने के बाद आप लौंग और कपूर माँ को अर्पित करें, और उसके बाद इन दोनों को अपनी तिजोरी में रख दें। आपके लिए धन वृद्धि के योग बनेंगे। वृषभ राशि। आपकी जान पहचान और परिचय का दायरा बढ़ेगा, जिसकी वजह से कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। अपने कार्यक्षेत्र में विरोधियों और शत्रुओं से सतर्क रहना आज जरूरी रहेगा। पैतृक पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। किसी तरह की संपत्ति में इजाफा हो सकता है और पारिवारिक जीवन में समस्याओं का समाधान आज आपको मिलेगा। शुभ रंग है सुनहरी। आज के दिन का भाग्य प्रतिशत रहेगा 49। गायत्री मंत्र का जप करें और घर में बहनों को या स्त्रियों को मीठा खिलाएं। मिथुन राशि। आप लोगों के लिए आज कार्यों में सफलता के लिए परिश्रम करना होगा, लेकिन संध्या काल के समय किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का मौका मिल सकता है। किसी उलझन भरे काम के सुलझ जाने के कारण आज मानसिक सुकून मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में आज काम कम बनते हुए नजर आते हैं, इसलिए प्रयासरत रहना जरूरी है। शुभ रंग है हरा। आज भाग्य प्रतिशत रहेगा 86। माँ महागौरी को लाल गुलाब की माला अर्पित करें, शारीरिक परेशानियां खत्म होंगी। कर्क राशि। कार्यक्षेत्र में कार्यकुशलता और अनुभव का लाभ मिलेगा। व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा आज के दिन में सफल रहेगी। मकान और जमीन जायदाद से संबंधित किसी तरह की कोई डील आज फाइनलाइज कर सकते हैं, और प्रेम जीवन में सुधार होगा। साथ ही में परिवार की तरफ से भी रजामंदी मिल सकती है। शुभ रंग है सफेद या क्रीम कलर का इस्तेमाल करना शुभता लेकर के आएगा। भाग्य प्रतिशत रहेगा 88%। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता के लिए माँ महागौरी को श्रृंगार अर्पित करना अच्छा रहेगा। सिंह राशि। परिवार में छोटे बच्चे आज आपके सामने कुछ मांग रख सकते हैं, जिसे पूरा करना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोग अगर कोई पार्ट टाइम काम करने का मन बना रहे हैं, तो उसकी रूपरेखा आज बन सकती है। संध्या काल का समय किसी मांगलिक कार्य में भाग ले सकते हैं। सेहत आज बेहतर होगी। शुभ रंग है नारंगी। भाग्य प्रतिशत रहेगा 79%। किसी दुर्गा मंदिर में जाकर के 8 कमल के फूल की माला माता को अर्पित करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कन्या राशि। जिस भी काम में आज हाथ डालेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। नौकरी करने वाले जातकों को आज पद और प्रभाव का लाभ मिल सकता है। संतान से जुड़ा कोई भी निर्णय आज के दिन में लिया जा सकता है, जो सफलतादायक रहेगा। आर्थिक स्थिति आज मजबूत दिखाई देती है और छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। शुभ रंग है हरा। भाग्य प्रतिशत रहेगा 85। आज के दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, घर में सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति होगी। तुला राशि।
तुला राशि वाले लोगों के लिए कोई भी सोचा हुआ कार्य आज अटक सकता है, तो काम को व्यवस्थित तरीके से कीजिएगा। परिवार में अगर किसी से लंबे समय से मतभेद या तनाव चल रहा है तो उस समस्या का हल आज आपको मिलेगा। व्यापार में कुछ नए अवसर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज या कहीं ना कहीं पे आगे के कार्य को बढ़ाएंगे। बच्चों की बातों और व्यवहार पर नजर रखना जरूरी है। शुभ रंग है गुलाबी। भाग्य प्रतिशत रहेगा 58। माता महागौरी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, इसलिए आज अन्न का दान करने से घर में सुख संपन्नता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि। व्यवसायिक मामलों में ऊर्जावान रहकर के आज आप कार्य करेंगे और साहसिक निर्णय का आज आपको फायदा भी मिलेगा। कुछ नए मित्र बन सकते हैं और आपकी पहचान का दायरा बढ़ेगा, जो कि व्यापार में तरक्की और विस्तार लेकर के आएगा। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए खान पान का सही रूप से ध्यान रखिएगा। शुभ रंग है सुनहरी। भाग्य प्रतिशत रहेगा 78%। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, आज आय में वृद्धि होगी। धनु राशि। व्यापार में लाभ के योग बने हुए हैं। कोई बड़ा फैसला अगर लेना हो तो पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से लीजिएगा। विवाह योग्य जातकों की शादी की बात आज तय हो सकती है। परिवार की ओर से आज आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आता है। शुभ रंग है लाल। भाग्य प्रतिशत रहेगा 85। कन्या पूजन करने से आज व्यापार में लाभ होगा। मकर राशि। आज लिए गए निर्णय और निवेश का आपको भविष्य में खूब लाभ मिलेगा। यदि भाई बहनों के साथ संबंधों में लंबे समय से कड़वाहट चल रही थी तो आज समाप्त होगी और रिश्तों में सामंजस्य बनेगा। संध्या काल का समय आज परिवार के साथ बिताने से हर्ष होगा। शुभ रंग है नारंगी। भाग्य प्रतिशत रहेगा 89%। माँ महागौरी को नारियल की बर्फी और लड्डू चढ़ाने से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। कुंभ राशि। नौकरी की तलाश में है तो कामयाबी मिल सकती है। छात्रों को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। आज आप भाग्य के भरोसे अपने कार्यों को ना छोड़ें। बच्चों की सेहत को लेकर के आज परेशान हो सकते हैं, तो जरूरी है सही तरह से आज अपने दिन को आगे बढ़ाइएगा। कार्य व्यवसाय में जीवन साथी का पूरा साथ आपको मिलेगा। शुभ रंग है हरा। भाग्य प्रतिशत रहेगा 52। सफेद चंदन का तिलक आज लगाएं, मानसिक सुकून मिलेगा। मीन राशि। निवेश आज आपको मुनाफा दे सकता है। प्रॉपर्टी के लेन देन के बारे में अगर लंबे समय से सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बेहतरीन है। कारोबार के विस्तार के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से आज कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और निजी जीवन में सामंजस्य होगा। शुभ रंग है जामनी। भाग्य प्रतिशत रहेगा 84%। आज माँ महागौरी की पूजा के समय मोगरे के फूल अर्पित करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये तो था आपका आज के दिन का हाल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।